हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस आरआरबी प्री। ठीक है, सो क्वेश्चन को जरूर अपने आप से अटेम्प्ट करिएगा। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, यकीन मानो मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे मॉक में, जो कि टेस्ट जोन पे दिया था उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले, ए एंड सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 4 डेज एंड 6 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी ए कितने दिन में काम करता है? सर 4 दिन में। सी कितने दिन में काम करता है? 6 दिन में, 6 डेज। वेल बी अलोन कैन डिस्ट्रॉय इट इन 3 डेज। ठीक भाई, बी कितने दिनों में डिस्ट्रॉय करता है? 3 दिन में। तो एलसीएम ले लो 12 यूनिट्स। दिस इज योर टोटल वर्क, याद रखना इसमें। ये आपका टोटल वर्क है। ए का 1 दिन का काम कितना हुआ? +3। सी का 1 दिन का काम कितना हुआ? +2। बी का, बी डिस्ट्रॉय करेगा तो बी का 1 दिन का काम कितना हुआ? -4। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है? इफ ए सी एंड बी वर्क अलोन इन दैट ऑर्डर, देन इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। यानी फर्स्ट, पहले दिन कौन काम करेगा? पहले दिन ए काम करेगा। सेकंड डे कौन काम करेगा? सी काम करेगा। और थर्ड डे आपका कौन काम करेगा? अगर मैं आपसे बात करूं, बी काम करेगा। तो ए कितना काम करेगा? +3। सी कितना करेगा? +2। और बी कितना करेगा? -4। तो आप बोल सकते हैं ओवरऑल 3 दिन में, इन 3 डेज, 3 + 2 कितना हुआ? 5 - 4, 1 यूनिट। इन 3 डेज 1 यूनिट वर्क विल बी कम्प्लीटेड। अब हुआ क्या, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे? सर टोटल वर्क है 12, इधर भी इंटू 12 करो, इधर भी इंटू 12 करो। नहीं देखो, तो जी जो टोटल वर्क होता है ना, इसमें 12 यूनिट्स, इसमें से आप माइनस कर दो पॉजिटिव वर्क जो सबसे पहले हो रहा है, विच इज 3 * 5। उसके बाद कितना काम बचा? 7 यूनिट्स। ठीक है, पहले आप इतना काम करा लो। तो यानी इधर भी इंटू 7 कर दो, इधर भी इंटू 7 कर दो, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 21 डेज में अब आपका कितना काम हो गया? 7 यूनिट। इतना क्लियर है? बताएं जी। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया? अब इसके बाद अगले दिन कौन काम स्टार्ट करेगा? ए काम स्टार्ट करेगा। कितना काम करेगा? +3। फिर उसके अगले दिन कौन काम करेगा? सी, वो कितना काम करेगा? +2 यूनिट। तो देख लो जी कितना हो गया, 7 एंड 3, 10 और 2, 12 यूनिट्स काम। यानी अब बी को मौका ही नहीं मिला ना वर्क डिस्ट्रॉय करने का, समझ लो। लास्ट में बी को मौका नहीं मिलेगा वर्क डिस्ट्रॉय करने का, जैसे मंकी वाले क्वेश्चन में होता है ना, ये मंकी पोल असेंड कर रहा है फिर डिसेंड कर रहा है। तो यानी इधर टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो गए? 23 डेज इज योर आंसर। ठीक है, ये बात याद रखना। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन था जिसमें आप जल्दबाजी में आंसर गलत कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये, प्रोबेबिलिटी का, चेस से था। अ पर्सन रैंडमली सेलेक्ट टू पीसेस फ्रॉम द वाइट पीसेस ऑफ चेस, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द पीसेस आर सिमिलर। अब देखो, टोटल आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टोटल कितने पॉन्स होते हैं? प्यादे कितने होते हैं? 8। ठीक है, नाइट्स, बिशप एंड रूक। तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस ये कितने हो गए? 14 एंड 2, 16 पीसेस हो गए, ये तो पता होगा आपको। अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स की यानी क्या? यू हैव टू चूज टू पीसेस एंड बोथ शुड बी सिमिलर, दोनों समान होने चाहिए। तो यानी या तो 8 में से 2 हम चूज कर ले, ठीक है, या तो हम प्यादों में से ले ले, या फिर इन दोनों को ले ले, या इन दोनों को, या इन दोनों को। तो 8C2 + 2C2 * 3। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो, 2C2 कर लिया मैंने, इंटू 3 क्यों करा है? क्योंकि इधर ये 2 2 2 यार 3 बार है ना, यानी टू, या तो वो 2 हाथी ले सकता है, या 2 ऊंट ले सकता है, या 2 घोड़े ले सकता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। उसमें से आपको कितने चूज करने हैं? 2, 16C2। तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले तो NCN बराबर होता है 1। ठीक है, NCN बराबर होता है 1। 8C2 को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा? 8 * 7 * 6 अपॉन 2 * 6। ये कैंसिल, ये कैंसिल, कितना है? 7 * 4 = 28 प्लस 1 * 3 अपॉन 16C2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 31 / 16C2। देखो, मैक्सिमम चांसेस सी ऑप्शन ही हो गया, आपको 16C2 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मगर अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। 16C2 को देख लो, 16 * 15 * 14 * 14 से 14 तो कैंसिल ही हो जाएगा, * 2 और आएगा, तो 2 से गया 8 times 15, 8 = 120। तो 31 / 120 इज द करेक्ट आंसर। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी 16C2 को। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस से।
आपको इसमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो देखो परसेंटेज की पूरी सीरीज मैंने बता रखी है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। आप देखो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, और कमेंट आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना है, और आपको इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा, सपोज करो 50 सेकेंड लगे तो वो जरूर कमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।